दोस्तों, Xiaomi ने कुछ दिन पहले अपने पोको आई फोन फोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था. कुछ दिन नहीं, बहुत कुछ दिन पहले पोको आई फोन को लॉन्च किया था, जिसका मार्केट ठीक ठाक ही रहा और फ़ोन भी ठीक ठाक ही था. लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई था, लेकिन चलने लायक था और लोग फ़ोन को बहुत ही ज़्यादा पसंद किए थे और फ़ोन का सेलिंग भी अच्छा ठीक ठाक ही हुआ था. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोको ने अपना आई फोन लाइट जो है ये इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए सोच लिया है, और यह फ़ोन जो है बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है. और आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या होगी इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या होगी इसके प्राइस, और यह इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होगा. तो ज़्यादा बात करना मैंने करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा इस फ़ोन के अकॉर्डिंग जो आपको मन में आता है कुछ भी लिख दीजिएगा दोस्तों. और एक बात आपको बता दें कि फ़ोन का जो प्राइस है उसके हिसाब से और फ़ोन का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मुझे ये फ़ोन बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में फ़ोन बहुत ही ज़्यादा मिड रेंज का फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन के साथ आता है. तो सबसे पहले इस फ़ोन का डिस्प्ले की बात करते हैं, इस फ़ोन में आपको 6.3 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है जो 1000 रेजोल्यूशन के साथ आता है, और यह जो है IPS डिस्प्ले है जो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा. एक्सपेक्टेड रेशियो की बात करें, इस फोन में आपको मिल जाती है 19:9 की. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इस फोन में आपको मिल जाती है एंड्रॉयड भी 9.05 का. चिपसेट की बात करें, इस फोन में आपको मिल जाती है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का. प्रोसेसर की बात करें, इस फोन आपको मिल जाती है ऑक्टा कोर 2.2 GHz का. और दोस्तों, मुझे यह फोन इसलिए पसंद नहीं है, मतलब प्राइस के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि इस फोन का बैटरी बहुत ही कम दिया गया है, क्योंकि इस फोन में आपको मात्र 3000 mAh की एक बैटरी मिलेगी. क्योंकि लीक्स के मुताबिक सामने आ रही है कि इस फोन में जो आपको बैटरी मिलने वाला है वो मात्र आपको 3000 mAh की बैटरी मिलेगी. हालांकि क्विक चार्जिंग सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा पता नहीं, लेकिन कन्फर्म नहीं किया गया. लेकिन यहाँ पर जो बैटरी दिया गया है यहाँ पर आपको मात्र 3000 mAh की बैटरी मिलने वाली है. तो हालांकि आजकल के अभी के टाइम में 3000 mAh की बैटरी का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आजकल तो 5000-7000 यार एक फ़ोन ने तो 18000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन को भी लॉन्च कर दिया. लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो मतलब लगभग कम से कम 4000 mAh की बैटरी होना चाहिए तभी फ़ोन के लिए परफेक्ट होता है और फ़ोन के लिए बेटर होता है. उसका डिस्प्ले अगर कैमरे की बात करते, इस फ़ोन में आपको बैक साइड में डुअल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें से फर्स्ट सेट जो आपको मिलने वाला है वो आपको 13 MP का, एंड सेकंड जो आपको मिलने वाला है वो आपको 2 MP का मिलने वाला है. कैमरा भी कुछ खास नहीं दिया है. उसका फ्रंट कैमरे की बात करते, इस फ़ोन में आपको 20 MP का एक फ्रंट कैमरा मिल जाती है. और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं, तो फोन आपको 14,990 रुपये मिलने वाली है, यानी कि 14,990 रुपये तो होगी आपका 15,000. तो 15,000 में इतना कम स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन मेरे लिए पसंद नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि ये फ़ोन इंडियन मार्केट में चलने वाला है या फिर नहीं चलने वाला है? उसका देख अगर इसके लॉन्च डेट की बात करती है, यह फोन जो है 4 अप्रैल को अनऑफिशियली लॉन्च होने वाला है. तो मैं तो इस फ़ोन से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि इसका प्राइस कुछ हाई है और इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लो है. तो बस आज की वीडियो इतना, से आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा. वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू. फिर मिलते हैं अगले वीडियो.